आज हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 7। कौन सा हम लोग देख रहे हैं? क्लास 10 बायो चैप्टर 7 और चैप्टर नेम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं, ये चैप्टर नेम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इस नेम को समझते हैं कि ये नाम यहाँ पर क्यों दिया गया है। कंट्रोल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं और इच्छा हो रही है कि हम लोग मिठाई खाएं, तो क्या हम लोग खा सकते हैं? नहीं ना। तो ये अपने आप को हम लोग कंट्रोल किए, अपने मन को कंट्रोल किए, अपने मन को बस में किए, तो ये है कंट्रोल। और चूँकि जो कंट्रोल हम लोग किए तो खाने की जो इच्छा होती है, कुछ इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारा चाहना नहीं चाहना, ये सब हमारे ऑर्गन्स पर डिपेंड हैं, कुछ हार्मोनल भी है। तो इस तरह से जो हमारे ऑर्गन एक साथ सामंजस्य बैठाते हैं किसी भी चीज़ को कि ये हमें करना है नहीं करना है, या करने की इच्छा है फिर भी उस इच्छा को हम लोग दबाते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कि हम लोग स्कूल में हैं तो कुछ टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, तो सारे मिलकर स्कूल को एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाते हैं, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन। आप समझ रहे हैं ना? कंट्रोल क्या हुआ? किसी कंट्रोल कोई भी अगर इच्छा है किसी भी तरह के चीज़ पर जब हम लोग काबू पाते हैं तो उसको कंट्रोल बोलते हैं, और उसमें जो इन्वॉल्व्स होते हैं वैसे करने में वो हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य स्थापित करना। तो ये है इस चैप्टर का नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसमें और क्या दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पोंड टू वेरियस स्टिमुली लाइक हीट, लाइट, कोल्ड, टच एंड प्रेशर इटीसी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसको रेस्पॉन्ड करते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुली। देखिए यहाँ पर रेस्पॉन्स है और स्टिमुली है, ये दो टर्म इस चैप्टर में बार बार आएगा जिसको कि समझना है। सबसे पहले स्टिमुलस हम लोग समझते हैं, तो इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट कहने का मतलब कि हमारे आसपास से जो भी चीज़ हम लोग फील करते हैं वो हो गया स्टिमुली, या जो हमें जिस चीज़ से हमारे ऊपर कोई ये असर होता है, प्रेशर पड़ता है, या जिस चीज़ से हम अपने आप को ये जैसे उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हीट है, हीट से यहाँ पर क्या मतलब है? हीट से मतलब है कि अगर मान लीजिए कि हमारे गर्म कोई बर्तन रखा हुआ है और हमें पता नहीं है कि वो बर्तन गर्म है और अचानक कहीं से आकर हम लोग छू देते हैं, तो वो जो गर्म चीज़ हो गया वो हो गया बाहर से मिला, तो ये हो गया स्टिमुलस। और रिस्पॉन्स करते हैं जैसे उस बर्तन को छूते ही अपने हाथ को हम लोग खींच लेते हैं, क्या होता है गर्म चीज़ को छूते हैं फिर अपने हाथ को वापस कर लेते हैं, तो ये हो गया रिस्पॉन्स। इसी तरह लाइट से है, लाइट है जैसे कि धूप, जाड़े के दिन में सबको धूप अच्छी लगती है, तो थोड़ी देर तक हम लोग धूप में बैठते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद हम लोग वहाँ से फिर हट जाते हैं क्योंकि धूप तेज़ लगने लगती है। तो ये लाइट भी हो गया, स्टिमुलस हो गया जो बाहर से हमें मिला, और उसके प्रति जो हम लोग रिएक्शन व्यक्त किए वो हो गया रिस्पॉन्स। इसी तरह कोल्ड है, टच है, प्रेशर है, ETC, ये सारा जो है ये हो गया आपको स्टिमुलस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। एग्जांपल में देखिए, विथड्रॉ ऑफ हैंड ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, अभी बताया गया कि अपने हाथ को हम लोग हटा लेते हैं कोई भी गर्म चीज़ को जब
टच करते हैं। आगे देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, किसमें हम लोग देख रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो आप जानते हैं कि लिविंग दो ही चीज होते हैं, एक एनिमल है और दूसरे कौन है प्लांट्स। तो आगे आप देखेंगे अभी कौन है प्लांट। दो चीज़ हम लोग जानते हैं कि एनिमल और प्लांट यही लिविंग है। क्या है ये लिविंग बताया जा रहा है, कैसे है ये लिविंग। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, यही दोनों में रिस्पॉन्स हो सकता है। तो एनिमल्स क्या होते हैं कि यहाँ आगे देखते हैं हम लोग, इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विथ द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। ये जो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेनली एनिमल्स में दो तरह से होता है, दो चीज़ों से होता है। एक यहाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या है नर्वस सिस्टम, क्या चीज़ के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए पहला जो है वो है नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है एंडोक्राइन सिस्टम, जिससे कि हार्मोन रिलीज होता है। क्या है ये एंडोक्राइन सिस्टम है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या क्या देख रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में किसके किसके थ्रू होता है। तो पहला है नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है ये नर्वस सिस्टम के थ्रू। और दूसरा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, जिससे कि हार्मोन वगैरह रिलीज होते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, अभी बताया गया है कि लिविंग थिंग्स दो ही होते हैं जिनमें कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, एक एनिमल है और एक प्लांट है। तो एनिमल और प्लांट दो ही लिविंग थिंग्स है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि हम लोग एनिमल का देख रहे हैं तो एनिमल में नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम भी है। लेकिन प्लांट्स में क्या है ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है केवल एंडोक्राइन सिस्टम से ही हो सकता है, हार्मोन के थ्रू ही होता है इसमें प्लांट्स के थ्रू, जिसका अलग सिस्टम है। तो ये इसमें क्या होता है केवल हार्मोन से होता है, जिसको कि हम लोग फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। लेकिन एनिमल में ये दो तरह से होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है। तो नर्वस सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर नर्वस सिस्टम, पहला अभी हम लोग देखे थे जिसमें दो था, कंसिस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम में क्या क्या है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, ए स्पाइनल नेटवर्क एंड ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ द नर्व्स। क्या है ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स, नर्व्स का नेटवर्क है। तो हम लोग आगे देख रहे हैं नर्वस सिस्टम में हम लोग देखे कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है या नेटवर्क जिसको हम लोग कह सकते हैं, और ह्यूज नर्व्स क्या है देखें यहाँ पर हम लोग नर्व्स देख रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं फंक्शन। तो फंक्शन में हम लोग देख रहे हैं फंक्शन है कि नर्वस सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है, नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो यहाँ आप देखिए, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। नर्वस सिस्टम क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। ये कैसे इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ रही है तो हम लोग फील करते हैं कि बहुत गर्मी है, और इस तरह से इन्वायरमेंट में अगर अधिक ठंड है तो हम लोग स्वेटर पहनना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम के द्वारा हम ये फील करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट कैसा है, उसके अनुसार उस तरह से हम लोग फिर अपनी तैयारी करते हैं। दूसरा है
टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, जो हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं वो भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। वो देखिए कैसे है, वो जो रिसीव करते हैं तो बाहर से जो मिला कि हॉट प्लेट है या फिर जो हमारा प्लेट है जिसको हम टच कर रहे हैं वो हॉट नहीं है, वेरी कूल है, मान लीजिए कि कुछ लिक्विड है तो वेरी कूल है या फिर वेरी हॉट है, इस तरह से ये स्टिमुली हो गया। और रिस्पॉन्स, हमारा जो स्किन है वो टच करने के बाद जैसा फील किया वो हो गया रिस्पॉन्स। तो ये जो होता है ये किसके थ्रू होता है, इसी नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, हम लोग जो देख रहे हैं कोई भी चीज़ फील करते हैं एनवायरनमेंट से, तो ये नर्वस सिस्टम के थ्रू हम लोग इसको फील करते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, और उसके अनुसार हम लोग जो काम करते हैं वो किसके थ्रू होता है, मसल्स और ग्लैंड्स के थ्रू होता है, उसके रिस्पॉन्स को हम लोग उस तरह से फील करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, अभी देख रहे थे फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब एक दो हम लोग कुछ टर्म भी देखते हैं छोटा छोटा, जो कि बार बार आएगा इस चैप्टर में, तो उसको भी समझना ज़रूरी है। और वो टर्म है स्टिमुलस। क्या है ये टर्म, स्टिमुलस, ये टर्म है स्टिमुलस। देखिए स्टिमुलस वैसे आपको बताया भी गया है, एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, अभी बताया गया कि अधिक गर्मी है या अधिक ठंडा है तो उसको हम लोग फील करते हैं। तो एनी चेंज इन इन्वायरमेंट इन विच द ऑर्गेनिजम्स रेस्पोंड इज कॉल्ड स्टिमुलस। ऑर्गेनिजम्स रेस्पोंड इज कॉल्ड स्टिमुलस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। उसके अनुसार जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह का है, हॉट है या फिर ह्यूमिड है या फिर कूल है, तो उसके अनुसार हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है, ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। अभी ये आप टर्म देख रहे थे, तो इसमें क्या हम लोग देखें, एनी चेंज इन इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। एग्जाम्पल टचिंग ए हॉट प्लेट, हॉट प्लेट को जैसे ही हम टच करते हैं तो ये हॉट प्लेट क्या था, स्टिमुलस है। हॉट प्लेट जो है ये स्टिमुलस है, और उसके प्रति हम लोग जो अपने हाथ को हटा देते हैं वो रिस्पॉन्स हो गया। तो आगे को देखिए, आगे जो है आपको छोटा सा फिर है टर्म, ये है रिस्पॉन्स। द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू ए स्टिमुलस, स्टिमुलस के थ्रू जो हमारा बॉडी जिस तरह से रिस्पॉन्स लिया, जिस तरह का वर्क किया, एक्शन किया, वो हो गया रिस्पॉन्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। हमारा बॉडी जैसा एक्शन लिया उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल withdrawal of our hand on touching a hot plate को टच करने के बाद हम अपने हाथ को हटा लेते हैं, तो ये हो गया रिस्पॉन्स। हॉट प्लेट के अगेंस्ट में वो रिस्पॉन्स हो गया कि हम लोग उसको पकड़े रहें कि हटा लें, ये चीज़ हो गया वो रिस्पॉन्स है। आगे कोऑर्डिनेशन आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया कि कोऑर्डिनेशन क्या है, जो आपस में ऑर्गन सामंजस्य बैठाते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। देखिए यहाँ टर्म है कोऑर्डिनेशन, सबके डिफिनेशन को आप कॉपी में लिखेंगे, तो देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन क्या है। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, फिर से एक बार देखिए, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्स, ऑर्गेनिज्म्स के जो बॉडी के वेरियस ऑर्गन से एक साथ सामंजस्य बैठाकर किसी भी इन ए प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस इन ए प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिएक्शन टू ए स्टिमुलस, स्टिमुलस के प्रति जो बाहर से कि वो जो प्लेट है या जो हमारा जार है, बर्तन है, वो गर्म है या ठंडा है, उसके प्रति जो रिस्पॉन्स हुआ उसमें जो हमारे ऑर्गन्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ये आपस में एक साथ होकर वर्क कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बैठाना। कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। आगे हम लोग टर्म देख रहे हैं, ये है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स, यहाँ है रिसेप्टर्स। तो कहने का मतलब है कि जैसे कोऑर्डिनेशन हम लोग देखे कि इसमें जो वेरियस ऑर्गन्स हैं ये बॉडी के एक साथ वर्किंग टुगेदर, एक साथ जो वर्क कर रहे हैं, तो आखिर फील कौन किया? ये जो टच करने के बाद हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट उसको टच किया हॉट प्लेट को, तब उसके प्रति तो जो जहाँ टच हम लोग करते हैं वो हो गया रिसीव किया, स्टिमुलस को रिसीव किया, वो हो गया रिसेप्टर्स। तो आगे देखते हैं, आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व्स दैट डिटेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट के प्रति जो हमारा नर्व्स ये डिटेक्ट किया कि वहाँ क्या हो रहा है, गर्म प्लेट है या मच्छर काटा, तो जो फील हम लोग कर रहे हैं वो जो ऑर्गन या नर्व्स जो फील करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर्स। वो रिसीव किया स्टिमुलस को इन्वायरमेंट से, तो ये हो गया रिसेप्टर्स। आगे हम लोग देखते हैं, रिसेप्टर्स में हम लोग ये देखते हैं कि रिसेप्टर्स आर वो सेंस ऑर्गन होते हैं। रिसेप्टर्स कौन है आपको पता ही है, हम लोग क्लास वन से ही पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन कितने हैं? ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं हम लोग को पता है कि 5 सेंस ऑर्गन हैं हमारे बॉडी में। कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5। कितने हैं सेंस ऑर्गन? एक साथ हम लोग यहाँ इसको करके देखते हैं। तो पहला है फोनोरिसेप्टर्स। ये क्या है? ये फोनोरिसेप्टर्स। तो आपको अगर नहीं याद है, यहाँ देखिए नाम दिया हुआ है इनर ईयर। फोनोरिसेप्टर्स का काम कौन कर रहा है? हमारा ईयर कर रहा है। हम लोग फोन रिसीव करते हैं तो कहाँ रिसीव करते हैं? ईयर में ही ना, कि आँख के पास ले जाते हैं या नाक के पास ले जाते हैं। तो इसी तरह से ये क्या हो गया, फोनोरिसेप्टर्स। सुनने का काम कौन करता है? तो कान करता है, हमारा ईयर करता है। ईयर में भी जो इनर है पार्ट है वो वहाँ से, लेकिन हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ईयर। यहाँ देखिए दिया हुआ हियरिंग, बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो सुनने के अनुसार हम उस तरह से अपने बॉडी को अटेंटिव करते हैं, उस तरह से हम अपने बॉडी को करते हैं, तो ये हो गया ईयर। दूसरा है फोटोरिसेप्टर्स, आईज। आईज को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोरिसेप्टर्स। तो आप देखते हैं कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग पूजा पर ही बैठते हैं, तो जिस भगवान की पूजा करनी होती है हम लोग अपनी आँख को बंद करते हैं। तो बंद करने का मतलब क्या है कि जिनकी हमें पूजा करनी है उनका चेहरा हमारे स्मरण में है, लेकिन फिर भी आँख बंद करके हम लोग वो उनके फोटो को देख कर भी हम लोग वो ध्यान में लाते हैं कि हाँ ये इनकी हम पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो आँख है किसी को भी पहचानने का काम करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। विजुअल स्टिमुलस जो देखने का काम कर रहा है वो है आईज। तो इस तरह से ये दूसरा सेंस ऑर्गन हो गया। पहला क्या था? फोनोरिसेप्टर्स, ईयर हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड है फोटोरिसेप्टर्स, ये आईज हो गया,
और थर्ड है थर्मो रिसेप्टर्स, ये हो गया स्किन को हम लोग बोलते हैं पेन, इसमें पेन है, टच है, हीट है, जो हम लोग हॉट प्लेट टच कर रहे थे तो हीट के प्रति हो गया, ये पेन है, कहीं दर्द हो रहा है, मच्छर काट रहा है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये स्किन के थ्रू होता है। तो ये है हमारा तीसरा रिसेप्टर्स है जिसको कि यहाँ पर दिया गया है, ये है स्किन, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। फोर नंबर में हम लोग देख रहे हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी सूंघने का काम करता है, ये है नोज, हम लोग महक को पता करते हैं कि किस तरह का स्मेल है, ये डिटेक्शन करते हैं किसके थ्रू, तो ये हमारा हो गया चौथा, ये नोज। आगे पांचवा है गस्टेटरी, ये क्या है, गस्टेटरी है रिसेप्टर, ये हो गया टंग, जो टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है कि हमारे सब्जी में नमक है नहीं है, किसी भी तरह के टेस्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसके थ्रू, टंग, ये पांच है। तो हमारे सेंस ऑर्गन कितने हो गए, फाइव सेंस ऑर्गन्स हो गए। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये रिसेप्टर्स जो हमारे हैं इन, ये हैं सेंस ऑर्गन्स और ये कितने हैं, फाइव हैं। तो आप ये चार्ट को उतारेंगे अलग से और इसको समझेंगे। आगे हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम में, हम लोग ये देख रहे हैं न्यूरोन, तो ये न्यूरोन है, हम लोग आगे देख रहे हैं जो पढ़ रहे हैं पढ़ना है, ये है न्यूरोन, न्यूरोन का हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन, हम लोग दोनों देखेंगे। न्यूरोन देखिए, न्यूरोन जो है ये नर्वस सिस्टम का यूनिट है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आप जब क्लास 9 में टिशू चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी ये आया था न्यूरोन, तो आप ये ध्यान रखेंगे। आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़े हैं नेफ्रॉन, लेकिन ये क्या है, न्यूरोन। कभी कभी परीक्षा में आ जाने पर बच्चे इससे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो ये क्या हम लोग देख रहे हैं, इसलिए बार बार मैं ये नाम बता रही हूँ आपको, ये है न्यूरोन। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये क्या है, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो अभी हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, तो क्या है, इसी के थ्रू नर्वस सिस्टम का सारा मैसेज जो है ये ट्रांसफर होता है, ये है न्यूरोन। छोटे छोटे टर्म को आप उतारेंगे न्यूरोन्स और इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। न्यूरोन क्या है, हम लोग देख रहे हैं ऑल्सो नॉन एज न्यूरोन्स नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स, न्यूरोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व सेल और नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं। आर न्यूरोन्स आर इलेक्ट्रिकली, न्यूरोन्स आर इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल, न्यूरोन्स कैसा है, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल है, ये जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, उस तरह से मैसेज ट्रांसमिट होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल। सेल्स इन द, ये कैसा है, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स इन द नर्वस सिस्टम दैट फंक्शन टू प्रोसेस एंड ट्रांसमिट, ये क्या ट्रांसमिट करता है, इन्फॉर्मेशन इन ट्रांसमिट प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन इन वर्टिब्रेट, इन वर्टिब्रेट एनिमल्स, इन वर्टिब्रेट एनिमल्स, ये वर्टिब्रेट एनिमल्स में क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है मैसेज को। न्यूरॉन्स आर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स,
एंड कंपोनेंट्स ऑफ, ये कोर कंपोनेंट्स हैं न्यूरॉन किसका, तो ब्रेन क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स का ये कंपोनेंट्स है। आगे हम लोग देखते हैं द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूरॉन आर द सोमा, सेल बॉडी, क्या क्या इसमें होता है, सेल बॉडी, इसको हम लोग साइटोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोन। इसमें क्या क्या होता है न्यूरॉन में, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो ये है सेल बॉडी, द एक्जोन, क्या यहाँ पर है, ये सेल बॉडी, एक्जोन, ए लॉन्ग सिलेंडर, एक्जोन क्या है, ए लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन, ए लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अभी बताया गया कि ये कैसे पास होता है मैसेज, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, आगे फिर आपको फिगर में बताया जाएगा, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से होते हुए ये क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, मैसेज को ये ट्रांसमिट करता है। डेंड्राइट्स और क्या हो गया, तो अभी हम लोग इसमें आगे देखें कि सेल बॉडी होता है जिसको सोमा भी बोलते हैं, एक जोन है जो सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर लाइक है स्ट्रक्चर, और उसके बाद ये एक जोन है, उसके बाद डेंड्राइट से ट्री लाइक स्ट्रक्चर ये देखने में है, डेंड्राइट्स स्ट्रक्चर्स दैट रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड सिनेप्सेस, स्पेशलाइज्ड जंक्शंस को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स, दो न्यूरॉन के बीच में जो एक छोटा सा गैप होता है, माइन्यूट गैप होता है, उसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं, बिटवीन न्यूरॉन्स। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, किस किस कौन कौन सा पार्ट्स है। तो आगे हम लोग इसमें देख रहे हैं न्यूरॉन में हम लोग देख रहे हैं कि डेंड्राइट है, सेल बॉडी है एंड एक जोन इसी में जोड़ दिया गया है, इसको आप अलग भी रख सकते हैं तीसरा जो है, और एक जोन के बाद जो एक जोन एंडिंग होता है, टर्मिनल एंड होता है, वहाँ पर सिनेप्स होता है, यहाँ पर हम लोग टर्मिनल, याद रखिए कुछ चीज़ को नोट भी करना चाहिए बीच बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल एंड, क्या बोलते हैं, टर्मिनल एंड, टर्मिनल सिनेप्स के जगह आप टर्मिनल, सीधे सीधे इसका स्पेलिंग है टर्मिनल एंड, सॉरी टर्मिनल एंड, आप यहाँ पर टर्मिनल एंड नाम लिख सकते हैं सिनेप्स के जगह, ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डेंड्राइट्स क्या है, ये इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, डेंड्राइट क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को एक्वायर्ड करता है। आगे देखिए सेल बॉडी और एक्जोन, ये इसको आपको बताया गया कि इसको आप अलग से थर्ड पॉइंट में कर सकते हैं और उसके बाद वाला वो फोर्थ हो जाएगा पार्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, डेंड्राइट रिसीव किया, उसके बाद सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से ये मैसेज एक्जोन के पास गया, एक्जोन के बाद ये टर्मिनल एंड या एक्जोन एंडिंग इसको बोलते हैं, यहाँ तक गया जो कि सिनेप्स होते हुए जो एक माइन्यूट गैप होता है, नेक्स्ट न्यूरॉन के पास मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है। तो सिनेप्स देखिए अपने आप में ये सिनेप्स जो है इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये क्या है, सिनेप्स इम्पॉर्टेंट टर्म हो है, कभी एग्जाम में भी बहुत बार अक्सर पूछा जाता है, पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट न्यूरॉन,
बाय रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये क्या है, एक सिनेप्स क्या होता है, पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट न्यूरॉन बाय रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इस तरह से आप इसको पॉइंट उतारिएगा। आगे हम लोग देखते हैं द एक्सोन नर्व फाइबर भी जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द सेल। देखिए ये सारा जो है फंक्शन ऑफ न्यूरॉन में आप लिख सकते हैं, व्हाट इज फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, इसमें आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। तो क्या है, द एक्सोन ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द, कहाँ से, फ्रॉम द सेल बॉडी द डेंड्राइट्स आर ब्रांचिंग फाइबर, द डेंड्राइट्स आर ब्रांचिंग फाइबर्स दैट रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। द शेप, आगे हम लोग देख रहे हैं द शेप ऑफ ए न्यूरॉन इज डिटरमिंड बाय द जॉब इट डज। इस तरह से ये फंक्शन है न्यूरॉन का। आगे हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आप एक लिख लीजिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड राइट इट्स फंक्शन। क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड राइट इट्स फंक्शन। तो फंक्शन के जगह ये लिखेंगे और इस स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, बाहर में फाइबर लाइक यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो पतला है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग इसको बोलते हैं डेंड्रोन, जो कि यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है, ये है डेंड्रोन, ठीक है, ये डेंड्रोन है और डेंड्रोन से ही एराइज हुआ है डेंड्राइट्स, यहाँ पर ये नाम दिया हुआ है डेंड्राइट्स, ये जो स्ट्रक्चर है इससे यहाँ से ये डेंड्रोन से रिलीज हुआ है जिसको कि हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। यहाँ देखिए जैसे सेल है उसी तरह से यहाँ पर सेल बॉडी दिखाया गया है, जब सेल है तो यह इसमें न्यूक्लियस होगा ही, इसमें साइटोप्लाज्म भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ तक यहाँ आप साइटोप्लाज्म को भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हम लोग देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ये क्या क्या है, यहाँ डायग्राम जो है इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि ये सेल बॉडी हो गया जिसमें कि न्यूक्लियस यहाँ दिखाया गया है सेल बॉडी में, ये डेंड्राइट्स हो गया, यहाँ पर इसको आप ये लेवलिंग डेंड्रोन कर सकते हैं डेंड्रोन, और यहाँ पे ये जो बीच वाला है फाइबर लाइक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं एक्सोन, यहाँ देखिए ये नाम दिया हुआ है, और लास्ट में है नर्व एंडिंग, इसी को हम लोग एक्सोन एंडिंग भी कहते हैं। ये क्या है, यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको हम लोग एक्सोन एंडिंग या नर्व एंडिंग कहते हैं। तो इस तरह से आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं न्यूरॉन का, आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन इसी में आप देखिए मैसेज जो ट्रांसमिट हो रहा है वो कैसे ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ जहाँ पर एक न्यूरॉन का वन न्यूरॉन का जो नर्व एंडिंग होता है, यहीं से थोड़ा सा माइन्यूट गैप करके यहाँ ये जैसे आपका ये स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये दूसरा न्यूरॉन अटैच होता है,
इस तरह से ये आगे एक जोन वाला पार्ट चला जाएगा, तो यहाँ पर इसका डेंड्राइट्स होता है, जिस तरह से आप ये देखे हैं, तो यहाँ से जुड़ा रहता है पूरे बॉडी में ही। इस तरह से ये जुड़े होने के कारण ही हम लोग बोलते हैं कि ये मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है, और इसके बीच में जो गैप होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स या सिनेप्टिक गैप बोलते हैं। तो ये जो है देख रहे हैं एक न्यूरोन का ये नर्व एंडिंग और नेक्स्ट न्यूरोन का यहाँ पर ये डेंड्राइट्स यहाँ पर अटैच होते हैं, जो थोड़ा सा गैप होता है इसको सिनेप्टिक गैप बोलते हैं, और यहाँ से ये मैसेज ट्रांसमिट होकर दूसरा न्यूरोन का डेंड्राइट जो है वो इसको रिसीव करता है। इसी तरह से फिर सेल बॉडी होते हुए ये डेंड्राइट्स रिसीव किया, तो यहाँ से सेल बॉडी होते हुए एक्सोन होते हुए फिर इसका नर्व एंडिंग होगा नेक्स्ट वाले का, इसी तरह से फिर एक दूसरा अटैच होगा। तो इस तरह से मैसेज ट्रांसमिट करने का ये न्यूरॉन काम करता है। तो हमारे बॉडी में इस तरह से किसी भी तरह का जो स्टिमुलस एनवायरनमेंट से आया ये रिसीव करता है उस स्टिमुली को, और रिस्पॉन्स के रूप में उसको लेकर फिर ये स्पाइनल कॉर्ड तक ये न्यूरॉन मैसेज को पहुंचाता है। तो इस तरह से इसका ये फंक्शन है। तो आप इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे, और यहाँ पर ये दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, और आगे हम लोग फिर सिनेप्स, इसमें हम लोग सिनेप्स देखेंगे, और आगे वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, आप ये बनाएंगे और छोटा छोटा जो भी डिफिनेशन है उसको आप उतारेंगे। इस तरह से आज का हम लोग का ये यहाँ समाप्त हो रहा है।